गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऐसे आज मैं चैप्टर 4 क्लास 3 महान गायक तानसेन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बारे में आप लोग सही ढंग से देखें। संगीत की दुनिया में तानसेन नाम को कौन नहीं जानता। तानसेन सम्राट अकबर के दरबार में गायक थे। वे अक्सर सम्राट अकबर के लिए ही गाते थे और किसी के लिए नहीं। अपनी मधुर रागनियों से वे राधा को सुलाने व जगाने का कार्य करते थे। माने गाना से ही सुलाते थे और गाना से ही अकबर को जगाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन गाते थे तो पक्षी और अन्य जीव जंतु भी उनकी मधुर तान को सुनकर खींचे चले आते थे। जीव जंतु और पक्षी भी इनके आवाज को सुनकर इनके पास आ जाते थे। एक बार अकबर जंगल में शिकार के लिए गए, वहां उन्हें एक सफेद हाथी दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि यह हाथी उनके किले में होना चाहिए, अतः अपने सैनिकों के बल पर उन्होंने उस हाथी को बंदी बनाया और अपने किले में ले गए। लेकिन वह जंगली हाथी बहुत शक्तिशाली और हिंसक था। हिंसक का मतलब होता है एक दूसरे को मारने वाला। जो कोई भी उसके समीप आता वह उसे अपने पैरों से उचलने का प्रयास करता। इस प्रकार उस हाथी को कोई भी नहीं साध पाया, कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाया। अंत में सम्राट अकबर ने तानसेन को भेजा। तानसेन हाथी के पास गए और उन्होंने अपनी मधुर आवाज में गाना प्रारंभ किया। क्रोध से चिघारता हुआ हाथी गाना सुनकर चुप हो गया और राजा का शाही महावत उसे साधने में सफल हो गया। महावत का मतलब होता है हाथी को अपने बस में करने वाला और उसको देखरेख करने वाला। तानसेन की गायन प्रतिभा के साथ बहुत सी की विंदितियां भी जुड़ी हुई है। कहते हैं तानसेन के संगीत में इतनी ताकत थी कि वे जब मेघराग गाते थे तो आकाश में बादल घिर आते थे और वर्षा तक हो जाती थी। संगीत का विशेष प्रभाव तो होता है, लेकिन आज वैज्ञानिक युग में ऐसी बातों पर सहज ही विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि एक बार सम्राट अकबर ने तानसेन से दीपक राग गाने को कहा, लेकिन इस राग को गाया जाना खतरनाक था, क्योंकि संगीतज्ञों का विश्वास था कि यदि इसे बिल्कुल शुद्ध रूप से गाया जाता तो इसे आसपास की वस्तुओं में आग लग सकती थी व गायक के शरीर को भी राख में बदल सकता था। दो सप्ताह बाद तानसेन ने दीपक राग गाया। उस शाम पूरा दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। महल की दीवारों पर बुझे हुए दीपक सजा दिए गए। जैसे ही सम्राट अकबर सिंहासन पर बैठे, तानसेन ने दीपक राग गाना प्रारंभ किया। कि वंदंती है कि जैसे जैसे तानसेन राग गाते गए, हवाएं गर्म होनी शुरू हो गई। लोग बाग पसीने में लथपथ होने लगे, पैरों पर पत्तियां सूखने लगी और बगीचों में फूल मुरझाने लगे।
पक्षी अपना घोंसला छोड़कर दूर जाने लगे। कुछ ही देर में वहां इतनी गर्मी हो गई कि लोगों के लिए बैठे रहना मुश्किल हो गया। संगीत का ऐसा अद्भुत प्रभाव भी काल्पनिक ही प्रतीत होता है। जैसे ही तानसेन राग की समाप्ति की ओर पहुंचे तो दीवार पर लगे दीपक अचानक अपने आप जल उठे। तानसेन को भी अपना शरीर जलता हुआ सा प्रतीत होने लगा। वह बीमार पड़ गए और कई महीनों में ठीक हो सके। महान संगीतकार तानसेन को आज भी याद किया जाता है। ग्वालियर में तानसेन के मकबरे के पास प्रतिवर्ष संगीत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऐसी मानता है कि गायक यदि उनके मकबरे को छूकर उसके पास उगे हुए इमली के पेड़ के पत्तों को चबाए तो उनकी आवाज और बेहतर हो जाएगी। इसका शब्दार्थ दूसरे दिन फोटो भेजेंगे, आप इसे नोट कर लेंगे प्रश्न उत्तर के साथ। थैंक यू।